नानक हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ की मैडम बहुत अच्छी है, बड़ी मैडम भी बहुत अच्छी है, सारा स्टाफ बहुत अच्छा है। मतलब इतने साल हो गए हमारे, 20 साल बाद जेब बिना बेबी हुआ है। मतलब कि हमें कितने कहीं से आराम नहीं आया, मतलब कि जहाँ से हमने दवाई ली हमें आराम मिल गया, बहुत अच्छा लगा। आज हम मौजूद हैं करनाल के गुरु नानक हॉस्पिटल में, जहां पर हम आपको बता दें कि गुरु नानक हॉस्पिटल की प्रसिद्ध गायनेक डॉक्टर डॉक्टर प्रभजोत कौर ने एक बार फिर से एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिसे दूर दूर तक लोग देखने पहुंच रहे हैं। हम आपको बता दें कि 14 साल बाद एक निसंतान दंपत्ति जो हरियाणा के सभी हॉस्पिटल्स में घूमकर यहां पहुंचे, और किस तरह से आप देख सकते हैं कि उन्होंने आज एक ट्विन्स बेबी को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की। और आप देख सकते हैं कि किस तरह से हॉस्पिटल स्टाफ के साथ आप देख सकते हैं कि जमकर सेलिब्रेशन भी उन्होंने किया, एक दूसरे को बधाई भी दी। और आप देख सकते हैं कि 14 साल बाद दो बड़े ही खूबसूरत बच्चे आज उनकी गोद में है, वो मदर यहां पर मौजूद है, काफी खुश नजर आ रहे हैं। एक लड़का और एक लड़की को जन्म हुआ है, 14 साल बाद उनको आज करनाल के गुरु नानक हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि जब उनकी छुट्टी हो रही है, तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही अच्छी खबर है। यमुनानगर का रहने वाला परिवार है, तो सबसे पहले हम जो मदर है उनकी उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। बहन जी, क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितनी खुशी आपको हो रही है आज आपके ट्विंस बेबी हुए हैं, कितने सालों बाद हुए हैं, और क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा, 14 साल के बाद मुझे ऐसा सुख मिला है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और डॉक्टर प्रभजोत मैम को मैं अपने लिए एक भगवान मानती हूँ, मैं चाहती हूँ कि मैम को इस कामयाबी के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार मिले। तो कितने हॉस्पिटल्स में आप घूमने के बाद यहाँ पहुँचे? मैं पानीपत, PGI, यमुनानगर, हर तरफ से नाराज होकर मैं यहाँ आई थी। अब मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि यहाँ से मुझे बहुत बड़ी खुशी मिली है। तो ये आप देख सकते हैं, हम आपको बता दें कि एक IVF टेक्निक के माध्यम से इस महिला को दो ट्विंस बेबी हुए हैं, और बहुत ही खुशी की खबर है। उनके परिजन हमारे साथ मौजूद हैं, आप बताएं कि कितनी खुशी है। IVF टेक्निक एक कामयाब टेक्निक है, और करनाल के गुरु नानक हॉस्पिटल से आज आप वापसी जा रहे हैं, दो जुड़वा बच्चे हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इनका थैंक यू करना चाहती हूँ, जो मुझे ऐसे गिफ्ट मिले, मैं भी होकर बहुत खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं अपनी खुशी बयान नहीं कर सकती, थैंक यू। तो ये समय आप तस्वीरें देख रहे थे करनाल के गुरु नानक हॉस्पिटल से, जहां पर हम आपको बता दें कि करनाल के गुरु नानक हॉस्पिटल में ऐसा नहीं है कि पहली बार 14 साल बाद किसी महिला को यहां पर बच्चे हुए, हम पहले भी कई बार दिखा चुके हैं, 30-30 साल बाद भी शादी के बाद जो निसंतान दंपत्ति, जिनको पूरे देश भर के सभी डॉक्टर्स जो है मना कर चुके थे कि उनको बेटा नहीं होगा, लेकिन करनाल के गुरु नानक हॉस्पिटल में वे आए, और यहां पर वही चमत्कार हुआ कि 30 साल बाद भी जो है उनका यहां से बच्चा हुआ, और आज जो उनके बच्चे हैं वो काफी ऊंचाइयों तक पहुंचे हैं। और इस बारे में श्रेय कहीं ना कहीं करनाल की डॉक्टर प्रभजोत कौर को जाता है, जो कई बार जो है राष्ट्रीय ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई बार सम्मानित हो चुकी है, सभी सरकारें इनको सम्मानित कर चुकी है, कई बार टीवी चैनल्स पर इनको सम्मानित किया गया है। तो इस समय आज डॉक्टर प्रभजोत कौर जो करनाल की ही रहने वाली है वो हमारे साथ है। डॉक्टर मैम, आपको सबसे पहले शुभकामनाएं कि आपको ये श्रेय जाता है, हालांकि आपने इसका सारा क्रेडिट जो है ऊपर वाले को दिया है, भगवान को दिया है, लेकिन क्या कुछ बताना चाहेंगे इस बारे में कि निसंतान दंपतियों के लिए करनाल का गुरु नानक हॉस्पिटल एक वरदान साबित हो रहा है, किस टेक्निक से कई सालों बाद जो बच्चे हो रहे हैं, क्या कुछ बताना चाहेंगे? थैंक यू कमल जी, आपने बहुत ही अच्छे शब्दों में शुभकामनाएं और बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग करके हमारी हौसला बजाई की। राजवंत जी का केस वाकई ही एक डॉक्टर की नजर से एक चमत्कार है हमारे लिए, बिकॉज मेरे पास ये जब आज से 2 साल पहले आए तो इन्होंने मेरे से एक ही बात की कि मैम सच सच बताइएगा, क्या मेरा कभी बच्चा हो जाएगा, मैं बहुत परेशान हूँ और इलाज करवा करवा के थक चुकी हूँ, और आप मुझे बिल्कुल ठीक मार्गदर्शन कीजिए। तो इनका जो भी मैंने जांच की या अल्ट्रासाउंड किया, और उसके बाद मैं इनके सामने बैठी और मैंने इनको बताया कि आपका बच्चा होना वाकई ही बहुत मुश्किल है और इस वक्त तो असंभव सा नजर आ रहा है, लेकिन परमात्मा की दया का कुछ पता नहीं, जहां पे इंसान एज अ साइंटिस्ट फेल हो जाता है वहां पे भगवान हमारे को कुछ ऐसा प्रकाश कर देते हैं हमारी बुद्धि में या हमारे जीवन में, कोई ऐसी हमारी बॉडी में ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक चेंजेस हो जाते हैं, या जैसे भी मैंने कहा परमात्मा की दया का पता नहीं, तो आप तुसी परमात्मा का नाम लेके इलाज शुरू करो। एंड इनफैक्ट मैंने इनको मजाक, मैंने कहा कि अगर आपका बेबी हमारे पास हो जाता है इलाज करके,
तो शायद मुझे हिंदुस्तान का सबसे ऊंचा अवार्ड दिया जा सकता है, बिकॉज इट लुक्स इम्पॉसिबल एट द मोमेंट. तो इनको एक साल हमने इनका इलाज किया, बिकॉज जिस जिस तरह के चेंजेस इनकी बॉडी में थे, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जिनका ऑपरेशन संभव ही नहीं था. जैसे जब गर्भाशय का साइज 3-4 महीने के बच्चे जैसा हो, जिसमें बच्चा रुक पाना ही मुश्किल होता है और जिसका कोई ऑपरेशन भी नहीं हो सकता. देखिए, जब फाइब्रॉइड या रसौली होती है जिसको क्लीन कैच ऑपरेशन किया जा सके, इट बिकम्स मच इजियर. बहुत से लोगों का आराम से बच्चा हो जाता है, लेकिन इस तरह की बड़ी बच्चेदानी जिसकी दीवारें बहुत मोटी हों और जिसको जिसमें बच्चा ना ठहर सके और ऑपरेशन भी ना हो सके सफलतापूर्वक, और ये अपने जीवन में पहले ऑपरेशन करवा चुके थे, इसलिए एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, दोनों अंडे दानियों में जो एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट हमारे समाज में बहुत कॉमन है, बहुत लोग दुखी हैं इस चीज से आजकल, ऑपरेशन के बावजूद भी ये रसौलियां वापस आ जाती हैं. तो ये कदापि अपनी एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट के लिए ऑपरेशन दोबारा करवाने को तैयार नहीं थे. और जो हाइड्रोसेल्पिंजेस जिनको कहते हैं, यानी ट्यूबों के अंदर जहरीले पानी का होना, जो हम जहरीला कहते हैं, दुनिया इससे ना डरे, उनके लिए एक पानी का है. लेकिन जब भी किसी के ट्यूब्स में पानी होता है, तो उनका जब तक वो ट्यूब्स में पानी गायब ना हो जाए या उन ट्यूब्स को निकाल ना दिया जाए, तो बच्चा होना संभव नहीं होता. पहले भी ऑपरेशन होने के कारण ये किसी भी प्रकार का ऑपरेशन या इस तरह का इलाज के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि पहले ऑपरेशन हो चुके थे. एनीवे, इस एक साल में इन्होंने एक जो बहुत ही मैं कहती हूँ मिराकुलस काम किया, कि मेरे कहे अनुसार इन्होंने दिन रात नाम जपया, जो कि बड़ा मुश्किल होता है. दिन रात मतलब चलते फिरते, उठते बैठते, स्नान करते, रोटी पकाते खाते. इन्होंने बहुत इज्जत दी मेरे शब्दों को, और जो जो भी तरह का योग, कपाल भाती, सही खान पान, सही जीवन शैली, और खुश होके एक तरह से पॉजिटिव वाइब्रेशन अपनी बॉडी में हर तरह की शक्ति का समावेश करा के, जो इन्होंने एक साल, और हम लोगों ने भी एक साइंटिस्ट होने के नाते जो भी हमें समझ में आया, इनफैक्ट अपनी डॉक्टरी की 30 साल की पढ़ाई में मैंने आज तक जितनी भी टेक्स्ट बुक्स पढ़ी थी, उन टेक्स्ट बुक्स का शायद ही कोई ऐसा सिस्टम या इलाज होगा जो हमने इन पे ना ट्राई किया हो. और हर तरह की साइंटिफिक इलाज करके एक साल के बाद मैंने पाया कि इनकी जब जो रसौलियां थी, या जो पानी जो हमें मिल रहा था, जो हमारे लिए एक तरह से बहुत बड़ी बड़ी बाधाएं थी इनके अंदर, वो सब श्रिंक हो चुकी थी. लेकिन फिर भी कुछ चीजें विद्यमान थी, तो जिनको हम आराम से कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, यानी अल्ट्रासाउंड गाइडेड नीडल एस्पिरेशन से, जो कि एक बहुत रेकमेंडेड प्रोसीजर नहीं है, लेकिन क्योंकि अब हमें इनका IVF करना था, तो उस तरीके से हमने करके उन चीजों को अपने रास्ते से हटाकर जब इनका IVF किया, और बहुत काउंसिल करके किया कि देखिए, अगर ये कामयाब नहीं होगा तो आप बुरा ना माने, और उसके बाद फिर कुछ सोचा जा सकता है. लेकिन जब अब हमने IVF किया, तो इनको परमात्मा ने एक नहीं, दो बच्चे दिए. और दो ट्विंस प्रेगनेंसी के होते ही हमें अगली चिंता ये सताने लगी कि ऐसी प्रेगनेंसीज में अक्सर बच्चा मदर के अंदर जाते ही दरवाजा तेजी से नॉक करने लगता है, यानी मिसकैरेज का खतरा बढ़ जाता है, कि बच्चा अंदर रहना नहीं चाहता और बच्चा बाहर आने की कोशिश करता है. तो परमात्मा की दया से इनकी ये सारी, बिकॉज शी हैड सो मच पॉजिटिव यू नो काइंड ऑफ आउटलुक टुवर्ड्स द होल ट्रीटमेंट, तो परमात्मा की दया हुई और इनका हमें मिसकैरेज का डर था, फिर प्री मेच्योर बच्चे का डर था, 4-5-6-6.5 महीने में बाहर ना आ जाए, बच्चे विकलांग ना हो, जल्दी ना पैदा हो जाए. लेकिन परमात्मा की असीम कृपा से इनके 8 महीने 10 दिन पे एक बेटा और एक बेटी 2.6 किलो ईच अप्रोक्सीमेटली का जन्म हुआ, जो बच्चे नर्सरी भी नहीं गए. अभी कल से बच्चे एक दिन के लिए जॉन्डिस ठीक होने के लिए नर्सरी में जा रहे हैं. तो ये आपने देखा कि करनाल का गुरु नानक हॉस्पिटल, जो करनाल का नंबर 1 IVF सेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि यहां पर जितने भी केसेस आते हैं, और खास तौर पर उन निसंतान दंपतियों को, जिनके 15 से 20 साल में उनको बच्चे नहीं हो पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कामयाबी हासिल हुई है, या यूं कहें कि करनाल का गुरु नानक हॉस्पिटल उन निसंतान दंपतियों के लिए वरदान साबित होता हुआ नजर आ रहा है. क्योंकि जिस तरह से आपने कई केसेस देखे, किसी को 20 साल बाद, किसी को 12 साल बाद, किसी को 14 साल बाद बच्चे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं वे जब भी कभी यहां से निकलते हैं, तो गुरु नानक हॉस्पिटल की डॉक्टर संचालिका डॉक्टर प्रभजोत कौर से मिलकर जरूर जाते हैं. कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल. डिवाइन इंडिया IVF सेंटर करनाल की डॉक्टर प्रभजोत कौर 10 सालों से डॉक्टर है, लेकिन बेहतरीन काम अपने क्षेत्र में कर रही हैं. आइए एक नजर डालते हैं उनके सफर पर. बच्चों की चाहत रखने वाले दंपतियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है डॉक्टर प्रभजोत कौर. करनाल के गुरु नानक हॉस्पिटल की डॉक्टर प्रभजोत कौर बांझपन के सफल इलाज के लिए जानी जाती हैं.
पिछले 10 सालों से प्रभजोत कौर निराश दंपतियों के लिए आशा की किरण हैं। 2007 से अब तक प्रभजोत कौर ने न जाने कितने ही सफल इलाज किए हैं और उन परिवारों के चेहरे पर खुशियां लौट आई हैं जो बच्चे की चाहत में पूरी तरह से टूट चुके थे। यहाँ पे आके हम लोगों ने एक्सक्लूसिवली इनफर्टिलिटी या निसंतानता के मरीजों के लिए काम किया और भगवान की असीम कृपा से न केवल IVF से, IVF के बगैर, IVF से, हर तरह से ईश्वर ने इतनी कामयाबी बख्शी कि ये जन्म डॉक्टर होने के नाते सफल कर दिया। इंग्लैंड से अपनी पढ़ाई पूरी की है प्रभजोत कौर ने। मुंबई में लेक्चरर के तौर पर करियर की शुरुआत की और फिर करनाल आकर पति के साथ अपना हॉस्पिटल खोला और उन महिलाओं का इलाज किया जो बांझपन से जूझ रही हैं। प्रभजोत कौर के इसी जज्बे को आज हर कोई सलाम कर रहा है। प्लीज मंच पर मैं आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर प्रभजोत कौर जी को, जोरदार तालियों से इनका स्वागत किया जाए। 10 सालों से डॉक्टर प्रभजोत कौर तमाम लोगों की मदद कर रही हैं, अपने क्षेत्र में बेहतरीन कार्य कर रही हैं। कंग्रेचुलेशंस मैम। शुक्रिया प्रभजोत कौर जी, और एक बार फिर से कंग्रेचुलेशंस तमाम अवार्डीज के लिए। क्या कहना चाहेंगे हम, गुरु नानक हॉस्पिटल में आपने अपना ट्रीटमेंट कराया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि इससे बेस्ट हॉस्पिटल, बेस्ट मैम मैंने आज तक नहीं देखे। 11 साल बाद हमारी लाइफ में हमें बेटे का सुख जो मिला है तो वो डॉक्टर प्रभजोत मैम की वजह से ही मिला है। तो बस मैं तो यही कहूंगी कि हॉस्पिटल बेस्ट, इनका स्टाफ बेस्ट और मैम बेस्ट। इससे पहले हमारे 2 बच्चे थे और उसके बाद वो दोनों अब नॉर्मल थे। उसके बाद हमें कोई काउंसलिंग तक के डॉक्टर नहीं यहाँ मिलता था, हमें वहाँ से बाहर, मतलब बाहर से बाहर भेज देते थे कि ये नहीं हो सकता आपका बच्चा। फिर हम यहाँ पर आए तो हमें मैडम ने पूरा सपोर्ट किया कि मैं गारंटी लेती हूँ, मैं करूँगी जो मर्जी हो जाए, ये बच्चा अच्छा होगा जैसे भी हो। फिर हमें बच्चा 11 साल बाद मिला और ये पूरी तरह स्वस्थ था और मतलब हर तरह से एक्सपर्ट है। और हॉस्पिटल के बारे में कहना चाहूँगा कि इससे बेस्ट हॉस्पिटल मैंने करनाल क्या, अंबाला घुमाया, रायबरेली घुमाया, लखनऊ घुमाया, कानपुर घुमाया, मुझे कोई किसी ने कोई सपोर्ट नहीं किया। लास्ट सपोर्ट मुझे यहीं से मिला और यहीं से मुझे ये संतोष है कि ये बच्चा मेरा पूरी तरह स्वस्थ है। और इस हॉस्पिटल के बारे में ज़्यादा क्या कहना, मतलब किसी के पास पैसे ना भी हों, हम भी उस समय कुछ ज़्यादा नहीं मतलब थे इतने लायक, लेकिन मैडम ने पूरा साथ दिया, मैडम ने पूरा साथ दिया हर तरह से और हमें ये बच्चा स्वस्थ मिला। नमस्कार, इस समय मौजूद है करनाल के गुरु नानक हॉस्पिटल में, जहां पर जो यहाँ की गायनक है मैम प्रभजोत कौर, जिनका बहुत नाम है, जहां काफी सालों से वो अपने आप को प्रूव करती आ रही हैं। जो निसंतान जितने भी इनके पास पेशेंट्स आए हैं, काफी सक्सेसफुल उनके इलाज हुए हैं, जिनके बच्चे आज काफी ज्यादा, जो हर पेरेंट यहां से जाते हैं वो थैंकफुल होता है मैम का कि उनके चलते आज उनके घर में जो जितनी भी कठिनाइयों के बाद उनके घर में उन्हें संतान का सुख प्राप्त हुआ। तो हमारे साथ यहाँ पर कुछ है, यहाँ पर पेशेंट्स जो आए थे मैम के पास, एक मैम है हमारे साथ जिनका 20 साल बाद बेटा हुआ था, तो आइए हम उनसे जानते हैं। मैम, आपकी कितनी परेशानियां आपको पहले झेलनी पड़ी थी और फिर मैम के पास आके आपको क्या इलाज कैसे हुआ? हमने बहुत जगह दवाई ली, मतलब कि बहुत हॉस्पिटल गए, हमें कहीं से आराम नहीं आया।
फिर हम जहाँ आए मतलब के गुरु नानक हॉस्पिटल, हमें जहाँ से आराम मिला मतलब के 6-7 महीने बाद मतलब के फर्क पड़ गया मतलब के। जहाँ की प्रभजोत मैडम भी बहुत अच्छे हैं, जहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा है मतलब के, जो हेल्प भी कर देती है मैम मतलब के, अगर ना हो तो मतलब के हमारी तो उम्मीद ही छूट गई थी मतलब के। भी ऐसे ही हम आए थे 20 साल बाद हमारा बेबी मतलब लड़का हुआ। मैम कितना थैंकफुल है मैम के, कितना बहुत ही ज्यादा शब्द ही नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब के हम अब बहुत खुश है मतलब। तो जैसा कि आपने देखा 20 साल बाद उन्हें एक बेटा मिला, जिनका वो पूरा क्रेडिट्स देते हैं प्रभजोत कौर मैम को, जिन्होंने पूरा इनका इलाज किया, जितनी भी जो भी कठिनाइयां थी उनको पूरा बताकर उनका पूरा जो ये इलाज हुआ, और आज उनको 2 साल का उनका बेटा है। तो ये भी बहुत थैंकफुल है, जितने भी निसंतान जो यहाँ करनाल शहर में काफी दूर दूर से भी लोग आते हैं यहाँ पर मैम के, जो अपने जिन्होंने बच्चे संतान का सुख देखा है। तो काफी अच्छा एक ये गुरु नानक हॉस्पिटल है अब करनाल शहर में, जहां प्रभजोत कौर मैम जो पूरा अपना क्रेडिट्स वाहेगुरु जी को देकर, साथ में अपने आप को एक साइंटिस्ट के रूप में लोगों को यहां पर सर्विसेज दे रही हैं। तो आप भी यहां पर आ सकते हैं, जितने भी आपकी कोई भी क्वायरीज हो, गायनाक भी हैं मैम, तो आप अपनी सारी यहां पर प्रॉब्लम्स का इलाज करवा सकते हैं। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। और अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उस इंडस्ट्री की जिसका नाम है ब्यूटी एंड फैशन, और मैं मंच